इतिहास कई रोचक कथाओं से भरा हुआ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सच्ची घटना और कथा में बहुत ही अंतर होता है। जैसे अगर बात करें पोरस और अलेक्जेंडर की लड़ाई के बारे में, तो पश्चिमी इतिहासकारों ने इतना बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया है कि लोग आंख बंद करके उस कहानी को सच मान लेते हैं। लेकिन जब भी बात महाभारत की आती है, तो लोग इसे एक काल्पनिक कथा का स्वरूप दे देते हैं, जबकि ये असत्य है। क्योंकि आज हम महाभारत में मिले ऐसे कुछ सबूत के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद पुरातत्व विभाग ने खोजकर सत्यापन किया है। तो चलिए आपको बताते हैं उन सबूतों के बारे में जो कि महाभारत से लेकर आज तक कायम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत में हमारे संपूर्ण भारत का इतिहास मिलता है। इसमें राजा मनु के वंशज राजाओं का वर्णन है जिनकी संख्या लगभग 50 थी। आपको भी मालूम ही होगा कि राजा पांडु और धृतराष्ट्र भी मनु वंश के ही थे। अब सोचने वाली बात तो ये है कि अगर लेखक को एक काल्पनिक घटना लिखनी होती है तो वो कभी भी पूरे वंश के बारे में नहीं लिखते हैं, बल्कि दो या चार राजाओं के किस्सों में ही खत्म कर देते हैं। अगर इसके चंद किरदार होते तो कोई भी शक कर सकता था, लेकिन इसमें अनगिनत चेहरों की बातें की गई हैं जो इस बात का सत्यापन करती हैं कि ये घटना सच्ची है। भारत का नाम भारत पड़ने की वजह भी महाभारत में वर्णित एक राजा दुष्यंत के पुत्र भरत हैं। भारत देश की मौजूदगी ही महाभारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के महाराज थे और महाभारत में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि ये खूबसूरत शहर जलमग्न हो गया था। अब जो कोई भी द्वारका नगरी का नाम सुनता है इसे केवल कल्पना मान लेता है, जबकि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने गुजरात में समुद्र किनारे द्वारिका नगरी की लगभग 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की है। सिर्फ द्वारिका ही नहीं, बल्कि ऐसे 35 शहरों की खोज शोधकर्ताओं ने कठिन परिश्रम करने के बाद किया है। आपको मालूम होगा कि महाभारत के जैसा विशाल युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ा गया था। तो आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आज भी वो जगह मौजूद है जहां की मिट्टी पूरी तरह से लाल है, और शोधकर्ताओं के मुताबिक लहू मिल जाने की वजह से यहां की मिट्टी शुरू से ही लाल है। ऐसे ही खोज किए गए शहर आज हमारे बीच और भी मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत का हस्तिनापुर आज यूपी के मेरठ जिले के रूप में सामने है। वहीं गांधार प्रदेश अफगानिस्तान में गांधार के नाम से प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक ऐसा शहर खोज निकाला है जहां भीम और उसके पुत्र से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं। जी हां, नागालैंड में हिडिम्बापुर के नाम से मौजूद शहर भीम की पत्नी हिडिम्बा के नाम पर ही रखा गया है। यहां शतरंज के बड़े बड़े गोटियां हैं जिससे विशालकाय भीम और उसका पुत्र घटोत्कच खेला करते थे। यहाँ के लोग भी खुद को भीम की पत्नी हिडिम्बा के वंशज मानते हैं। आपको बता दें कि ऐसे ही और भी बहुत से सबूत हैं जो कि शोधकर्ताओं को समय समय पर मिलते रहते हैं, जिससे हम ये अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि महाभारत का युद्ध वो एक काल्पनिक नहीं बल्कि वो एक हकीकत था, और ये सबूत कहीं ना कहीं महाभारत के सच की मौजूदगी का एहसास भी कराते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।